फ्रेंड्स देखिए, आप लोग फ़ोटो एडिटिंग सिखाते हैं आप लोग कैसे। देखिए B4 एडाप्टर, ये फ़ोटो है ना, ये इसको फ़ोटो है, इसमें ले चल के बनाते हैं, ठीक है ना। इसको ले चलते हैं पहले लाइटरूम में। लाइटरूम में मार दीजिएगा इस तरह, लाइटरूम में इस तरह मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिएगा, नहीं तो आप लोग वीडियो काटिएगा मत, नहीं काट देंगे तो आप लोग समझ में नहीं आएगा वीडियो, ठीक है ना। देखिएगा, तीन चार बार आप लोग डाल लीजिएगा, पहले जाके इतनी में ऊपर मैसेज भी आ सकता है, पर भी मैसेज भी नहीं आया मेरा, आ गया है अभी तक, ठीक है ना। इसमें जाके ऑल फ़ोटो में कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। इसी में आप लोग जो ये कहाँ पे फ़ोटो, इसमें कहीं भी फ़ोटो रह सकता है अभी, ठीक है ना भाई। देख लो, देखिए इस तरह हम बना रहे हैं फ़ोटो, देखिएगा आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसमें जाके लाइटिंग हरा भी, आप देखिए एकदम हरा हो गया है, ठीक है ना। ऐसे भी फ़ोटो आप लोग एडिट कर सकते हैं, जैसे हमको करना है, ठीक है ना। ब्लैक है, ठीक है ना, ब्लैक भी आप कर सकते हैं, तो हमको कोई वाला कलर चाहिए। थोड़ा लाइटिंग आप देख सकते हैं, लाइटिंग कितना रहेगा, ठीक है ना। वह यहाँ पर आ सकते हैं आप लोग, इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, इसको फुल ऑफ फुल कर दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा, ठीक। वह यहाँ पर लाइटिंग आप लोग देख सकते हैं, मेरा हिसाब से ठीक तो है लाइटिंग, आप लोग भी देख लीजिएगा। यहाँ पे दोनों वाल रहेगा, ठीक है ना, वाल रहेगा। इसमें भी आके आप लोग कैप्चर कर सकते हैं, गैलरी कैप्चर है, ठीक है ना। गैलरी कैप्चर आप लोग हम बता देंगे बाद में। अभी यहाँ पे आप लोग इतनी देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आप लोग खुर्चे वाला देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ पर कलर आ जाएगा, कलर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सेव कर लीजिएगा। ले चलते हैं ऑटोडेस्क में, ऑटोडेस्क में यहाँ से शेयर कर लीजिएगा, शेयर करके डायरेक्ट ऑटोडेस्क में लेते जाइएगा। ऑटोडेस्क यही है, इसमें भी आके लेते आइएगा आप लोग, ठीक है ना। इसमें चॉइस आप लोग कर लीजिएगा, कलर कौन सा हम लेंगे, पहले ब्रश चॉइस करिए। तो ब्रश तो मेरे यही है, ठीक है ना, ब्रश है अपने हिसाब से, ठीक है ना, हिसाब से ठीक है। यहाँ कलर देख सकते हैं, तो भाई इसको भी आप लोग स्मूथ मार सकते हैं, ठीक है ना भाई। इस पर आप कलर चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। वह यहाँ से स्मूथ मारना है आप लोग को, कैसे मारना है एकदम बढ़िया से आप लोग मारिएगा। हम तो जल्दी जल्दी मार सकते हैं, आप लोग बढ़िया से मारिएगा, नहीं तो फ़ोटो बेकार हो जाएगा, ठीक है। फ़ोटो बेकार हो जाएगा तो आप लोग को दिक्कत कर देगा, लोग पसंद नहीं करेंगे फ़ोटो, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को मारना है, ठीक है, ऐसे मारिएगा आप लोग एकदम, कहीं भी थोड़ा सा भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। छूटता है नहीं, छूट जाएगा तो स्टेप पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग पूरा मारिएगा, ऐसे पूरा मारिएगा आप लोग, ठीक है ना। वहाँ आप लोग पहले बाल वाल पूरा देख लीजिएगा, पहले लाइटिंग वाला पूरा सही कर लीजिएगा, नहीं सही करेंगे तो आप लोग का ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, ब्लैक ब्लैक आ जाएगा तो वो सही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो चश्मा को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, वह देख लीजिएगा आप लोग, एकदम बढ़िया से देखिएगा, नहीं देखेंगे तो दिक्कत कर देगा आप लोग को। इस तरह पूरा बढ़िया से आप लोग हम सिखाते हैं, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसको आप लोग सुई है, इसको छोटा कर सकते हैं, इसको आँख भी कर सकते हैं, वह कान है ना, इसको भी इस तरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। वह आप लोग यहाँ सही कर लीजिएगा इस तरह, ठीक है, सही कर लेंगे तो आप ही लोग को फ़ायदा रहेगा। वह इस पर उठलाली दे दीजिएगा, उठलाली की इसको भी देंगे ना तो दिक्कत कर देगा। उठलाली आप लोग मन दे दें चाहे मत दें, ठीक है ना, हम तो नहीं लगाते हैं उठलाली, आप लगा दीजिएगा भी सही लगेगा तो, हम तो हमको नहीं सही लगते हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए एकदम कान एकदम बचा के आप लोग करिएगा, ठीक है ना, हम तो बचा कर रहे हैं, आप लोग एकदम हल्दी मत कर दीजिएगा, ठीक है ना भाई सर। एकदम बढ़िया फोटो एडिट करके देखिएगा, ठीक है ना, नहीं देखेंगे तो दिक्कत आप लोग को कर देगा, ठीक है ना। देखिए कितना हाल कर रहे हैं हम, ठीक है ना, देखिएगा एकदम आराम से देखिएगा आप लोग, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए एडाप्टर हो गया, ठीक है ना, एकदम तैयार हो गया एक रील्स, ठीक है ना भाई। इसको है ना, इसको इस तरह कर दीजिएगा, ठीक है ना, हो गया ना, थोड़ा ही क्रेक है, इसको सही कर दीजिए।
देखिए एडाप्टर फोटो आपका सेट हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं, वीडियो को बंद करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा।